हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई तनु अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और साथ में तो धातु लवण भी बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो बच्चों वो धातु लवण बनाएगी और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। यहाँ पे ये बात जो बात कॉमन है, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु लवण बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे देखिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए धातु की जगह बच्चों मान लीजिए हमने सोडियम धातु को ले लिया, यानी Na को ले लिया। ठीक है, बात सुन रही है आप लोगों को मेरी बात। और तनु अम्ल की जगह अम्ल के रूप में हमने HCl ले लिया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। ठीक है, तनु का मतलब बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में जब भी कोई भी कंपाउंड होता है तो बच्चों हम इसको AQ से लिखते हैं, A और AQ, यानी एक्वस फॉर्म में है, यानी जलीय विलयन में। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये आपका सॉलिड अवस्था है, यानी आपकी ठोस अवस्था में। इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि धातु तो बच्चों आप लोग जानते हैं ठोस होती है। ठीक है, अच्छा, जब बच्चों रिएक्शन आगे बनेगी तो रिएक्शन बनने के लिए क्या होगा बच्चों, पहले तो आपका धातु लवण बनेगा, यानी यहां से NaCl बनेगा। ठीक है, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, Na और ये Cl बनेगा, साथ में क्या मिलेगा बच्चों को हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन जो गैस होती है H2 की फॉर्म होती है, H की फॉर्म में होती है, H2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये मिली बच्चों आपको H2 गैस। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, ये गैस की फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड आप देख पा रहे होंगे अब जो रिएक्शन वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन का एक एटम है और यहाँ पे देखो H2 दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों हम आगे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, 2 लगाएंगे। ठीक है, अब 2 लगाने से क्या बच्चों, H2 तो बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ पे Cl ज्यादा हो गया, यहाँ 2 Cl होगा यहाँ पे 1 Cl है। ठीक है, तो फिर इसको बैलेंस कैसे करें, इसको बैलेंस ऐसा करेंगे बच्चों, क्योंकि Na इधर है 1, तो इधर भी लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 Cl ये और 2 Na ये, तो 2 NaCl बच्चों आपका ये निकल जाएगा। समझ मारा आप लोग को मेरी बात। देखो 2 Na और 2 Cl, 2 NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये 2HNH2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बच्चों आपको ये मिली। अब ये जो बच्चों सोडियम क्लोराइड आपको मिल रहा है, ये भी बच्चों आपको ये एक्वस फॉर्म में बच्चों, किस में, ये एक्वस फॉर्म में जलीय विलयन में, ये जो आपका जो नमक है ये आपका सॉलिड की फॉर्म में नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं है, ये जलीय विलयन में है। ठीक है, बात समझ आप लोग को मेरी बात। चलिए एक एग्जांपल में और आपको देख करके समझा रहा हूँ। देखिए धातु की जगह बच्चों आपको ले रहे हैं Mg को ले रहे हैं, यानी मैग्नीशियम को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, मैग्नीशियम, याद रखना ये धातु है, हम इसको सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन बच्चों हम किससे करेंगे, इसी से करेंगे, देखो 2HCl से, 2HCl से करेंगे। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात। और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि लिखा है ना तनु अम्ल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आगे देखिए, अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो H2 यहां से अलग निकल जाएगा, तो बच्चों यहां से H2 अलग निकलेगा गैस की फॉर्म में। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात। अब यहाँ पे बच्चे देखो Mg बचा और यहाँ पर 2 Cl बचे, तो बच्चे ये जो बचा बच्चा आपका, ये बचा MgCl2, MgCl2 बच्चे यहाँ से बचा, ये Mg और ये Cl2। ठीक है, और ये बच्चे क्या है, आपका एक्वस फॉर्म में। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात। तो ये धातु लवण हो गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा, आगे एक एग्जांपल और समझ सकते थे कि आप जिंक से कराइए, किसे, Zn से करा दिए जिंक से, जिंक धातु है, धातु तो हमको लेना ही पड़ेगा, प्लस क्या ले लीजिए, 2HCl लीजिए, 2HCl, और ये क्या बच्चों एक्वस फॉर्म में लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, रिएक्शन जब आगे बनेगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे H2 तो अलग हो जाएगा गैस की फॉर्म, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यहाँ पे मैं देखो मैं लिख देता हूँ H2 और ये गैस की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ तक बच्चों देखो Zn बचा और यहाँ पर Cl2 बचा, तो ये जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2 बन गया, और ये भी क्या बच्चा आपका एक्वस फॉर्म में। समझ मारा आप लोग को, कितना आसान बच्चे रिएक्शन है। आयरन को समझ, लोहे को ले लीजिए, Fe जिसका प्रतीक है, Fe सॉलिड फॉर्म में है लोहा। ठीक है, 2HCl, और देखिए यहाँ पे एक्वस फॉर्म में लीजिए इसको, एक्वस फॉर्म में लेंगे तो क्या बनेगा, देखो FeCl2 बनेगा, FeCl2 यानी फेरस सल्फेट बना, और आपका ये एक्वस फॉर्म में है, और ये बच्चा क्या मिलेगा, 2 आगे लगा तो ये H2 गैस मिलेगी, हमें क्या मिलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। समझ मारा आप लोगों को मैं, कितना आसान बच्चे रिएक्शन है। ठीक है, यानी जब भी कोई धातु, ठीक है, तनु अम्ल से अभिक्रिया, तनु अम्ल का मतलब है ये जो अम्ल है बच्चे लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो जब तनु अम्ल से कोई धातु रिएक्शन करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, सॉरी धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए अब यहां तक तो हमने एक ही हमने HCl लिया था, अब देखिए मैं यहाँ पे एसिड को चेंज कर रहा हूँ। देखिए अब मैं देखिए यहाँ पे रिएक्शन आगे बढ़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, देखिए स्टैंड
जैसे मान लीजिए बच्चों हमने क्या लिया, एम जी लिया, क्या लिया बच्चों, एम जी लिया, ठीक है। और एम चलो चलो एम जी से कराता हूँ पहले, एम जी की अभिक्रिया, और देखो एम जी क्या है, धातु है सॉलिड फॉर्म में, इस बात को याद रखें, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं बच्चों एच टू एसओ फोर से, एच टू एसओ फोर से एक्वस फॉर्म में बच्चों, क्या बच्चों एक्वस फॉर्म में, सल्फ्यूरिक अम्ल है, रिएक्शन जब होगी बच्चों तो एच टू अलग हो जाएगा सीधा सीधा, रिएक्शन तो बच्चों जब हो जाएगी तो ये बच्चों आपका एच टू अलग हो जाएगा गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस, तो देखो यहाँ भी मिल रही है आप लोगों को मेरी बात, तो ये जो एच टू अलग है तो एच टू कौन जाएगा, एम जी आ जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा ये एम जी एसओ फोर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों एम जी एसओ फोर यानी मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, सर मारा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। ऐसी बच्चों आप यहाँ पे एफ ई ले लीजिए, एफ ई से रिएक्शन कराओगे तो फिर आपका आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं आप लोग करा रहा हूँ नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया करके, देखिए नाइट्रिक अम्ल से भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो एक एसिड है, देखो देखो एम जी करा देता हूँ, चलो देखो एम जी और ये सॉलिड फॉर्म में एच एन ओ थ्री, एच एन ओ थ्री नाइट्रिक अम्ल है, सर मारा है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये नाइट्रिक अम्ल है और इसके ऊपर ये क्या था, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ठीक है। अच्छा रिएक्शन जब आगे बढ़े तो H2 की फॉर्म में देखो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से दो आगे लगा लीजिए, ठीक है। जब दो आगे लगाएंगे तो बच्चों हाइड्रोजन गैस बच्चों यहाँ से ये अलग हो जाएगी, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब NO3 बच्चों ये टू टाइम बचा, NO3 टू टाइम बचा, कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको लिखेंगे, देखो लिखना तरीका समझे, Mg और बच्चों ये NO3 का होल ट्वाइस, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, तो H2 की फॉर्म में तो अलग निकल गया, अब NO3 जो टू टाइम था, ठीक है, तो उसको एक बार लेकर हमने बच्चों होल ट्वाइस लगा दिया, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट में ये क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट था, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये सारे के सारे सब ये क्या धातु हैं और ये सब क्या बच्चे, ये आपके तनु अम्ल है, या एक्वा लिख लेने, ये भी जलीय विलयन में है, ए और क्यू एक्वस फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शन जब हुई तो आपको धातु लवण मिला, साथ में बच्चों देखो हाइड्रोजन गैस सभी मिल रही है, तो ये धातुओं की विशेषता होती है बच्चों, जब भी कोई एक्टिव मेटल, ठीक है, किसी तनु अम्ल से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों, धातु लवण बनता है और आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो किस प्रकार धातु लवण और बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस से मुक्त करती हैं। तो वीडियो अच्छा बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट पूछा, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।